एक वीवर का क्वेश्चन है कि एथियस्ट और एग्नोस्टिक में क्या फर्क है, जबकि जाहिरी तौर पर दोनों का मतलब होता है किसी गॉड को न मानने वाले लोग, यानी गॉड में यकीन न रखने वाले लोग। तो कैसे समझे किसे कहते हैं एथियस्ट और किसे कहते हैं एग्नोस्टिक? तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। एक एथियस्ट कहता है, आई डोंट बिलीव एनी गॉड्स एग्जिस्ट एंड आई नो दे डोंट एग्जिस्ट। यानी एक एथियस्ट कहता है कि मैं मानता हूँ कोई गॉड नहीं होता या कोई गॉड नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कोई गॉड है ही नहीं। लेकिन वही बात अगर हम एग्नोस्टिक की करें तो एक एग्नोस्टिक कहता है, आई डोंट बिलीव एनी गॉड एग्जिस्ट, मैं मानता हूँ कोई गॉड नहीं है, यानी मैं किसी गॉड में यकीन नहीं रखता हूँ। आई डोंट बिलीव एनी गॉड एग्जिस्ट बट आई एम नॉट क्लेमिंग दैट I might be wrong। यानी एक एग्नोस्टिक कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ कोई गॉड होता है, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। क्योंकि वो आगे कहता है, I don't know if any God exists or not। यानी मुझे पता नहीं है कि कोई गॉड है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि एक एथेइस्ट कहता है कि मैं किसी गॉड में यकीन नहीं रखता क्योंकि मुझे पता है कोई गॉड होता ही नहीं या कोई गॉड नहीं है, जबकि एक एग्नोस्टिक कहता है कि मैं गॉड में यकीन नहीं रखता लेकिन ये बात मैं दावा के साथ नहीं कह सकता हूँ कि कोई गॉड होता है या नहीं क्योंकि ये बात मुझे पता नहीं है। उम्मीद करता हूँ इन दोनों वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।